इसका क्या फ्यूचर है, क्या कैसा व्यवस्था है अंदर केबिन का, और कैसे कितना स्पीड में जाती है और कहाँ से चल लोग को पायलट लोग हैं और मैं यहाँ पे हूँ इन लोग के सामने में, और इधर सीट है देख सकते हैं, यहाँ से ट्रेन चलती है और यहाँ से ऑपरेटिंग होती है। जो हम बोलेंगे VIP सिस्टम, फिर इसको गेट को ओपन करेंगे और फिर जाएंगे दूसरा। आज थोड़ा सा हटिए, अभी नाश्ता का पूरा तैयारी चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं रोड तक न्यूज। आज मैं रांची रेलवे स्टेशन पे हूँ और मेरे सामने आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस है, कहाँ तक जाती है मैं सब कुछ बताऊँगा। वीडियो में पूरा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरा इस वंदे भारत का जो पायलट केबिन है लोको पायलट का, उससे लेकर जहाँ सवारी लोग बैठते हैं, ये कहाँ से जाती है और कहाँ कितना स्पीड में चलती है। हालांकि अभी रांची रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको लोग के लिए लोको पायलट के केबिन में जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। मतलब एक एरोप्लेन में आप चढ़ेंगे दोस्तों, वैसा पूरा फील होता है। यहाँ पे लोको पायलट का ये केबिन है और इधर से दिखता है एकदम एरोप्लेन जैसा। मैं कई बार एरोप्लेन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका फीचर ही ऐसा है एरोप्लेन जैसा, क्योंकि ये लगता है सीसी कैमरा लगा हुआ है हर तरह। देखे यहाँ भी सीसी कैमरा है और पूरा एकदम उसमें भी है। तो मैं आपको जाता हूँ केबिन में दिखाता हूँ मैं सब सिस्टम है यहाँ का, कुछ हाथों धोने वाला किचन का। और ये देखिए दरवाज़ा बंद हो गया, मैं अंदर में हूँ अभी, और ऐसे टिपेंगे तो दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। ऐसे दरवाज़ा ओपन हो गया, अब हम एंट्री करते हैं केबिन में। और जैसे ही केबिन में सवारी केबिन में एंट्री करेंगे, यहाँ LED लगा हुआ है और उसके बाद से यहाँ सब टेबल ओबल, जैसे लंच डिनर करने के लिए टेबल लगा हुआ है, उसके बाद से यहाँ भी LED TV लगा हुआ है। फुल एकदम दूसरा कोच के तरफ, फिर दूसरा कोच के तरफ जाएंगे तो इधर टिफिन उपिन का अभी तैयारी चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। देखिए इसको खोलेंगे तो फिर ये भी ओपन हो जाएगा। और आप पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कि सुबह सुबह 4 बजे वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, देख सकते। दिखा दूँ तो बाथरूम में ऐसा है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसमें देख सकते हैं ये आता है, ऐसे करेंगे तो गिरता है। और ये भी कुछ सिस्टम है, इधर देख सकते हैं टॉयलेट, इधर पेपर है, मतलब फुल व्यवस्था दोस्तों, व्यवस्था में कुछ कमी नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप देखिएगा, देखिए इधर भी है और इधर भी है, सेम चीज़ इधर भी है, देख सकते हैं मैट वेट लगा हुआ है, इधर से भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस इधर भी है। लोग बैठने का तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे और बैठ रहे हैं। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे, जानते ही होंगे, देखिए यहाँ पे उद्घाटन जैसे होता है तो मोदी जी करते हैं, उस वही सीन है यहाँ पर चल रहा है। हालांकि सेंसर भी होता है लेकिन हर गेट पे देखिए सीसी कैमरा लगा हुआ है, हर गेट पे सीसी कैमरा, ऑटोमेटिक लॉक ऑटोमेटिक ओपन होता है। और यहाँ अभी सब नाश्ता का तैयारी हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह टाइम है, नाश्ता तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 5-6 बजे हुए हैं और यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है, सब लोग भी घूम रहे हैं। थोड़ा सा आती है सर, देखिए अभी मैं तीसरा कोच में आ गया हूँ, क्योंकि सेम प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मोदी जी अपना जो उद्घाटन हुआ था उस टाइम का यहाँ पे दिखा रहा है, तो सेम प्रोसेस है, सब बोगी में ऐसा ही सिस्टम है, सब LED लगा हुआ है, सब में बैठने का डिनर करने का यहाँ पे टेबल ओबल लगा हुआ है, नाश्ता करने का, और यहाँ पे सब हालांकि एक ही चीज़ है सेम। तो मैं बाहर चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, बाहर
सब ऑटोमेटिक है। यहाँ से एक जगह से घुसेंगे तो सब में गेट के पास भी सीसी कैमरा लगा हुआ है, एक गेट है। मतलब कोई एरोप्लेन जो हवाई जहाज कहते हैं उससे कम नहीं है ये ट्रेन। देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, इसमें इसका स्पीड तो बहुत है, इसका स्पीड तो इतना है 480 किलोमीटर प्रति हावर्स के, मतलब एक घंटे में 480 किलोमीटर जा सकती है। लेकिन ये हम लोग का भारत में उतना सेंसर नहीं लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली सिग्नल होता है, जो ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग होता है ट्रैक पे सिग्नल, इसके वजह से ट्रेन को धीरे चलाया जाता, फिर भी 180 के स्पीड में भागती है। तो आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, ऐसा करते हैं वीडियो का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।